हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो बहुत ही ज़्यादा सस्ते बजट मोबाइल्स। एक मोबाइल है रियलमी की तरफ से, रियलमी का C2। ये मोबाइल आपको मिलता है ऑनलाइन सिर्फ 7000 में। दूसरी तरफ है इन्फिनिक्स का Hot 8, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और इस मोबाइल की कीमत भी है 7000 रुपये ही। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको रियलमी का C2 लेना चाहिए या फिर इन्फिनिक्स का Hot 8। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं 7000 में रियलमी C2 के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले ये मिनी बॉक्स मिलता है, जिसमें लगा हुआ मिलता है सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल, इसके बाद रखा हुआ मिलता है मोबाइल, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में रखी हुई मिलती है ये डेटा केबल। इस डेटा केबल की लेंथ और क्वालिटी दोनों आपको 7000 के हिसाब से काफ़ी अच्छी मिलती है। मोबाइल के लिए आपको कवर नहीं मिलता इस मोबाइल के बॉक्स के अंदर, लेकिन स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिलता है डिस्प्ले पे पहले से ही। बाद में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर के अंदर चार्जर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी आपको नॉर्मल मिलती है और इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का। तो रेट के हिसाब से इस मोबाइल के साथ आपको अच्छा ही चार्जर मिलता है। तो ये सारा सामान आपको मिलता है सिर्फ 7000 में रियलमी के C2 के साथ। चलिए देखते हैं अगर आप इतने ही पैसे इन्फिनिक्स के Hot 8 पे खर्च करते हैं तो उसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं इन्फिनिक्स के Hot 8 को, इसमें सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको इसके अलावा और क्या क्या मिलता है। तो इसके बाद आपको रखे हुए मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से, और इसके बाद आपको रखा हुआ मिलता है एक स्क्रीन गार्ड, जिसको आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं डिस्प्ले पर। बाद में रखा हुआ मिलता है कवर, रियलमी के C2 के साथ कवर नहीं मिलता, लेकिन इन्फिनिक्स के Hot 8 के साथ आपको कवर मिलता है। इसके बाद आपको रखी हुई मिलती है एक डेटा केबल, इस डेटा केबल की भी लेंथ और क्वालिटी दोनों आपको अच्छी मिलती है। तो दोनों ही मोबाइल्स के साथ आपको काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर ही डेटा केबल मिलती है, इस चीज में दोनों अच्छे हैं। बाद में रखा हुआ मिलता है एक चार्जर, जिसके अंदर आपको आउटपुट वही मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का। तो दोनों मोबाइल्स के साथ आपको एक जैसा ही चार्जर मिलता है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है इन्फिनिक्स के Hot 8 के साथ 7000 में। तो देखा जाए तो सिर्फ एक कवर का ही फर्क है, बाकी तो दोनों मोबाइल्स के साथ आपको एक जैसा ही सामान मिलता है। तो इस चीज में दोनों मोबाइल्स बहुत अच्छे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इन दोनों मोबाइल्स के डिजाइन के बारे में। तो इन दोनों ही मोबाइल्स में आपको मिलता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन। इन्फिनिक्स के Hot 8 के अंदर आपको मिलता है बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी लुक, आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन इस मोबाइल के बैक पैनल पे बहुत अच्छी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ रियलमी के C2 में आपको मिलते हैं डायमंड कट। तो डिज़ाइन के अंदर ये मोबाइल भी बहुत अच्छा है, डिज़ाइन में दोनों अच्छे मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है रियलमी का C2, क्योंकि इसके बैक पैनल पर आपको स्क्रैचेस की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, जो इन्फिनिक्स के Hot 8 पे देखने को मिलती है। बात करें कैमरे के बारे में, तो रियलमी के C2 में आपको पीछे दो कैमरे मिलते हैं 13+2, और इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के Hot 8 में आपको पीछे तीन कैमरे मिलते हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का, और इसमें तीसरा आपको दिया गया है एक लो लाइट सेंसर। इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्लैश के साथ। इस मोबाइल में आपको दोनों तरफ फ्लैश मिलती है। वैसे तो दोनों मोबाइल्स में आपको कैमरे की परफॉर्मेंस 7000 के हिसाब से नॉर्मल ही मिलती है, फिर भी आपको थोड़ा सा बेटर कैमरा मिलता है इन्फिनिक्स का। इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, रियलमी C2 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, वो उसमें कमी है। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन इन दोनों मोबाइल्स का। किस मोबाइल का डिज़ाइन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बात करें इन दोनों मोबाइल्स के डिस्प्ले के बारे में, C2 के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.1 इंचेस की और Hot 8 के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंचेस की। डिस्प्ले साइज के अंदर आपको इन्फिनिक्स का Hot 8 ज्यादा अच्छा मिलता है रियलमी के C2 से। इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है एक नॉच वाली डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर आपको जो कलर्स मिलते हैं वो मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, लेकिन उससे पहले बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो रियलमी के C2 में आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। चलिए रियलमी के C2 के मैं आपको यूजर इंटरफेस के अंदर स्मूथनेस दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं बार बार स्वाइप करता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें आपको थोड़ी सी स्मूथनेस कम मिलती है, ये थोड़ा सा लैग होता है, इस चीज़ में मुझे थोड़ी सी इसमें दिक्कत लगी। वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स का Hot 8 के अंदर आपको यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता है, नीचे आपको एक शॉर्टकट की दी गई है, लेकिन इसकी स्मूथनेस आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है रियलमी के C2 से। तो यूजर इंटरफेस के अंदर जो आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है वो इन्फिनिक्स का Hot 8 मिलता है रियलमी C2 से। बाकी करीब से मैं आपको इन दोनों मोबाइल्स के डिस्प्ले दिखा देता हूँ। डिस्प्ले के अंदर जो आपको कलर्स मिलते हैं वो दोनों ही मोबाइल्स के डिस्प्ले में काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लेकिन डिस्प्ले साइज़ ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले मिलती है इन्फिनिक्स के Hot 8 में। एजिस बेजल्स दोनों डिस्प्ले में बराबर ही हैं, बाकी डिस्प्ले साइज़ ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले इन्फिनिक्स की ही मिलती है। लेफ्ट साइड पे दोनों मोबाइल्स में आपको सिम की ट्रे मिलती है। अच्छी चीज़ यह है इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। रियलमी के अंदर आपको लेफ्ट साइड पे ही दिए गए हैं वॉल्यूम के बटन्स, नीचे की तरफ आपको दोनों मोबाइल्स में बिल्कुल सेम जगह पे चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक और हेडफोन जैक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स में आपको पावर के बटन्स मिलते हैं, वॉल्यूम के बटन्स इन्फिनिक्स में आपको राइट साइड पर ही मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल प्लेन लुक दिया गया है दोनों मोबाइल्स के अंदर। C2 के अंदर आपको मिलती है 2 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, वहीं दूसरी तरफ Hot 8 के अंदर आपको मिलती है 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो इस चीज़ में Hot 8 बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर आपको रैम भी डबल मिलती है और इन्फिनिक्स के अंदर आपको स्टोरेज भी डबल मिलती है C2 से। C2 में आपको 32 GB में से मिलती है 21.5 GB के आसपास
और हॉट एट के अंदर आपको मिलती है 53.5 GB के आसपास, तो तकरीबन 32 GB का फर्क है आपको ज्यादा मिलती है हॉट एट में। इसके अलावा इन दोनों ही मोबाइल्स में आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड पाई। इस चीज में दोनों अच्छे हैं। बात करें बैटरी के बारे में तो C2 के अंदर आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी और इन्फिनिक्स के अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। वैसे तो दोनों मोबाइल्स में आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है, बैटरी में दोनों अच्छे हैं, लेकिन और भी ज्यादा बढ़िया आपको मिलता है हॉट एट के अंदर। इसके अलावा बात करें प्रोसेसर के बारे में तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको मिलता है मीडियाटेक का P22 प्रोसेसर। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, आपका इतना ज्यादा हैवी यूज नहीं है, तो दोनों मोबाइल्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, दोनों मोबाइल्स में आपको एक जैसे ही प्रोसेसर मिलते हैं। तो ये सारी चीज आपको मिलती है इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं आप सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं। तो दोस्तों जो खूबी आपको रियलमी के C2 में मिलती है 7000 में, वही खूबी आपको इन्फिनिक्स के हॉट एट में मिलती है। लेकिन कुछ खूबियां ऐसी हैं जो हॉट एट में और भी ज्यादा अच्छी मिलती है रियलमी C2 से। एक खूबी आपको C2 में मिलती है, इस मोबाइल का डिजाइन बहुत अच्छा है, इस पर आपको स्क्रैचेस की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती जो हॉट एट में देखने को मिलती है। और प्रोसेसर में भी ये दोनों मोबाइल्स एक जैसे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। बाकी हर चीज के अंदर आपको इन्फिनिक्स का हॉट एट ही ज्यादा अच्छा मिलता है। इस मोबाइल के अंदर आपको डिस्प्ले साइज भी ज्यादा बड़ा मिलता है C2 से। दूसरा, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है जो C2 में नहीं है। तीसरी खूबी इन्फिनिक्स के हॉट एट में आपको ये ज्यादा अच्छी मिलती है C2 से, इसके अंदर आपको बैटरी ज्यादा बड़ी मिलती है। और चौथी खूबी यह है, इसके अंदर आपको रैम और इंटरनल स्टोरेज डबल मिलती है। इसके अलावा पांचवी खूबी इस मोबाइल के अंदर ये ज्यादा अच्छी मिलती है, आपको जो यूजर इंटरफेस मिलता है वो और भी ज्यादा अच्छा है C2 से। तो ये पांच खूबी आपको रियलमी के C2 से ज्यादा अच्छी मिलती है इन्फिनिक्स के हॉट एट के अंदर। कैमरे के अंदर वैसे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल है, आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। तो C2 आपको एक डिजाइन के अंदर ही ज्यादा अच्छा मिलता है, बाकी हर चीज में आपको इन्फिनिक्स का हॉट एट ही ज्यादा अच्छा मिलता है। तो मैं आपसे कहूंगा अगर आप C2 खरीदने की सोच रहे हैं 7000 में, तो आप इन्फिनिक्स का हॉट एट ही ले लीजिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। C2 भी एक बहुत अच्छा मोबाइल है, लेकिन ये मोबाइल थोड़ा पुराना हो गया और इन्फिनिक्स का हॉट एट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इस वजह से आपको हॉट एट के अंदर और भी ज्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं C2 से। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, ये चीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे इन्फिनिक्स का हॉट एट पसंद आया, आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिएगा, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।